अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताने जा रहा हूँ कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और मिस रिप्रेजेंटेशन पे आपको क्या क्या नुकसानात होते हैं और किस तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन का जो बैन है उस वो लग सकता है और किस तरीके से उसको जो है वो हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारी वीडियोस में जानते हो कि मिस्टर नबील ख़ान साहब जो है हम लोग लाइव वेबिनार करने जा रहे हैं संडे को, ये जो अपकमिंग संडे है इसको, और 11 AM टोरंटो टाइम के मुताबिक जो कि रफली तकरीबन 9 PM जो है वो पाकिस्तानी टाइम बन जाएगा और 9:30 PM तक जो है वो इंडियन टाइम बन जाएगा और UAE का टाइम भी आप जो है वो तकरीबन 8 PM तक जो है वो कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मिस रिप्रेजेंटेशन के मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है, जैसे हमें कॉमन सेंस तो है कि अगर आप कोई भी चीज़ों को रिप्रेजेंट सही नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको फेयरनेस लेटर देता है और वो एक्सप्लेन मांगता है आपसे कि आपने ये चीज़ क्यों छुपाई है, और जो अगर आप सही एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपको जो है वो 5 साल के लिए बैन हो जाता है। और इसमें जो डिटेल से हम क्वेश्चंस हैं वो मिस्टर नबील साहब के साथ करेंगे और उनसे रिलेटेड जो है उनका पूछेंगे कि किस तरीके से ये होती है, किस तरीके से इसको जो है वो हटाया जा सकता है, किस तरीके से इसको जो है वो इसके चांसेस को ख़त्म किया जा सकता है और क्या सॉल्यूशंस हैं। सो बाय द वे, अगर आपका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप संडे को हमें ज्वाइन कर सकते हो 11 AM टोरंटो टाइम, जो कि 9 PM पाकिस्तानी टाइम होगा, 8 PM इंडियन टाइम होगा, और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको राइट डाउन कर लें और हम लोग डिटेल में उससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।